दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल में। ब्रेकिंग न्यूज़, दिहाड़ी मजदूरों को सरकार देगी 1,000 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में। दोस्तों, आप भी मजदूरी करते हैं और घर पे बैठे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी बड़ी है। सरकार आपको 1,000 रुपये देगी सीधे बैंक अकाउंट में। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो मजदूरों को काफ़ी परेशानी हो रही है, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो आप ये वीडियो सबसे पहले लाइक कर दें और लाइक करने के बाद शेयर भी कर दें ताकि आपके भाइयों को भी ये जानकारी मिल सके। और ऐसे ही नई नई खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संक्रमण के खिलाफ चल रही जंग के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने बड़ा ऐलान किया है। संक्रमण के चलते दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार प्रभावित हो रहा है, लिहाजा सरकार ने उन्हें 1,000 रुपये देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 15 लाख दिहाड़ी मजदूर पंजीकृत हैं, उन्हें 1,000 रुपये की मदद देंगे। साथ ही चिन्हित 20.27 लाख मजदूरों को भी 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा सभी पंजीकृत मजदूरों को भरण पोषण भत्ता देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने मनरेगा मजदूरों को भी तुरंत भुगतान देने का ऐलान किया है। 1,000 रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक अकाउंट में जाएगी। उन्होंने कहा है कि खोचड़ वालों को खाद उपलब्ध कराएंगे। 1.65 लाख परिवारों को अनाज उपलब्ध होगा। BPL परिवारों को 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल की मुफ्त ही मिलेगा। PDS दुकानों के जरिए अनाज देंगे। अप्रैल मई की पेंशन अप्रैल में ही दे देंगे। मुख्यमंत्री ने अपील की है, घबराएं नहीं, हमारे पास पर्याप्त राशन है, लिहाजा व्यापारी जमाखोरी ना करें, भीड़ भाड़ ना करें, संक्रमण ना होने दें, दुकानों में लाइन ना लगाएं, जो भी ज़रूरी हो वही लेने जाएं, किसी भी चीज़ की किल्लत नहीं होने दी जाएगी, लोग आवश्यक जमा करने की प्रवृत्ति से बचें, सभी की सहयोगिता जरूरी है, सहयोग करें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जनता कर्फ्यू के दौरान आवश्यक तौर पर बाजार में ना जाएं, पर्याप्त मात्रा में दवाएं और अनाज मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने बताया है कि राज्य में कुछ लोग संक्रमण पाए गए हैं, इनमें से कुछ लोग संक्रमण से उभरे आए हैं, शेष की हालत भी काफ़ी सुधार में है। हमारे पास राज्य में पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड हैं, हम धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ा रहे हैं। सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है संक्रमण से निपटने के लिए, सरकार हर कदम पर जनता के साथ है। दोस्तों, क्या आप भी मजदूर हैं और घर पे बैठे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।